इन दिस पेंडेमिक टाइम जब हर कोई परेशान है, हर किसी का मोटिवेशन थोड़ा लो हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहा है, जैसे जैसे लॉकडाउन के डेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप स्ट्रेस से उबर सकते हैं, जो मैं करता हूँ अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो फर्स्ट है, आप एक टाइम टेबल बनाइए। अभी सोचते हैं मतलब कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब टाइम टेबल बनता है, नहीं। आप घर पे भी हैं तो भी एक शेड्यूल बनाइए, इतने टाइम आपको उठना है, इतने टाइम आपको ब्रेकफास्ट करना है, और चूँकि आपके जो लाइफ का जो डेली रूटीन है उसका एक टाइम टेबल होगा तो आप बोर नहीं होंगे। आपको याद आएगा कि नहीं, इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है और इस टाइम मुझे ये करना है। तो ये चीज़ याद रखिए, एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको ऐड करना है। जैसे कि सुबह का मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। देखो लॉकडाउन भी है लेकिन मॉर्निंग टाइम में आप घूम सकते हैं, आप मास्क लगा के घूम सकते हैं, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इवनिंग वॉक खाने के बाद भी 15 मिनट घूमिए। कुछ नहीं करना है, अगर आपको थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो आपको अपने ईयरफोन्स लगाने कानों में, ठीक है ना, हेडफोन जो भी आपके पास है, अच्छा अच्छा एक सॉफ्ट सॉन्ग सुनना है, चलते जाना है सड़क पे, भीड़ भाड़ भी कम है, आराम से चलते जाओ मज़े से, ठीक है। सेकंड चीज़ हो जाएगी आपकी एक दो बुक्स। अब मैं नहीं बताऊंगा कि आपको किस टाइप की बुक्स पढ़िए, हो सकता है आप लव के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप शेक्सपियर को उठाएं, आप मिंटो को उठाएं, ठीक है, आप खुशवंत सिंह को उठाएं, उनकी लव स्टोरीज़ को, जो जो भी चीज़ें हैं, आपको किस टाइप का कंटेंट आप पढ़ना पसंद करते हैं उस टाइप का पढ़ें। मैं नहीं कह रहा कि ये कंटेंट पढ़ें, आपको जो पसंद है, जैसा कंटेंट पसंद है वैसा पढ़िए, लेकिन रीडिंग हैबिट्स डालिए, ठीक है। आप अगर लिटरेचर में जाना चाहते हैं तो लिटरेचर में जाइए, हिंदी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, जो भी आपकी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बुक्स ज़रूर पढ़िए। दिन में कम से कम 15 से 20 पेज एक बुक के ज़रूर पढ़िए, और सोते टाइम अगर इस आप बुक को पढ़ोगे तो आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत पीसफुली रहेगी, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि सोते टाइम हमेशा याद रखो कि यूट्यूब, कोई भी न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल मत देखो यार, क्योंकि ये आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कर देते हैं, है ना। तो आपकी जो नींद है वो डीप नींद जो होनी चाहिए, कहते ना कि आज हमारी नींद बहुत अच्छी आई, मज़ा आ गया, भाई नींद में भी मज़ा है, इसलिए उस मज़े को ख़राब नहीं करना है। तो सोते टाइम आपको कुछ नहीं, एक दो पेज पढ़ना है, किसी भी बुक के पढ़ना है, सिलेबस की बात मत पढ़ना, मैं बता दे रहा हूँ, सिलेबस की पढ़ोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, सिलेबस को छोड़कर कोई भी बुक पढ़ लो आपको मज़ा आएगा। और एक और चीज़ है, यदि आप किसी, जैसे मेरे घर के पास में एक नदी है, आपके घर के पास कोई अगर वाटर लैंड है, जैसे लेक है, कोई भी तालाब है, छोटा मोटा पौंड है, तो आप क्या कर सकते हैं कि शाम के समय या सुबह से, बहुत अर्ली मॉर्निंग और थोड़ा सा इवनिंग टाइम में, है ना, आप सुबह से जा सकते हैं वहाँ पे, आप जो आटा है आटा को थोड़ा सा गूंज लीजिए, उस आटे के छोटे छोटे से टुकड़े कीजिए और उन टुकड़ों को मछलियों को खिलाइए, ऐसे डालिए, तो जहाँ पे भी डालेंगे वहाँ आप देखेंगे बहुत सारी फिशेज जो हैं उसके अराउंडिंग इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप उनको देख के आपको एक प्लीज़र फील होगा, एक अल्टीमेट प्लीज़र फील होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप खाने के शौकीन हैं, तो हो सक बहुत सारे लोग खाने के शौकीन होते हैं लेकिन बनाने के नहीं होते, तो पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ नया सीखिए, कुछ बनाना सीखिए, खाना बनाना सीखिए। स्पेशली अगर आपको रोटी बनाना नहीं आता तो आप रोटी बनाना सीखिए, क्योंकि बहुत ट्रिकी काम होता है, आपका माइंड गेम होता है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। आप खाना बनाना सीखिए, खाना में स्पेशली रोटी बनाना, मैं कह रहा हूँ रोटी बनाना सीखिए, वो भी गोल ही आनी चाहिए, सर्किल ट्राइंगुलर सर्किल होनी चाहिए, ना कि ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर, ऐसी नहीं, या फिर पता नहीं कौन सा शेप बन रहा है, ऐसी वाली नहीं बनाना है अपन को। मुझे नहीं पता कि आप मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, हालांकि मैं इसके ऊपर एक जल्द ही एक सिंपल सी वीडियो लाने वाला हूँ, वो शायद आपके लिए लाभदायक होगी। आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, यदि आप करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो एक बात याद रखिए कि जैसे ही आप मॉर्निंग में उठें, सबसे पहले अपने आप को विश करना है कि आज जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, कल जो भी हुआ अपनी आँखों को बंद करो, उठने के बाद बेड से उठ जाओ और बेड पे ही बैठे बैठे आँखों को बंद करो और अपने आप से कहो कि यू आर द बेस्ट, कल जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन ठीक है, ये नेगेटिविटी थी तो ये पॉजिटिविटी थी, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई,
आप पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि कल क्या क्या अच्छा होगा, और ऐसे ही अपने आप से विश करो कि आज बहुत अच्छा दिन होगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा। आप क्या नया सीखेंगे, मैंने बताया ना, बुक्स पढ़ना है, ये चीज़ करना है, आप कहेंगे कुछ भी नया सीखेंगे। देखो सीखना ये नहीं होता कि बुक्स से सीखना, आप जैसे खाना बनाना सीख रहे हो, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप साइकिल सुधारना सीख रहे हो, आप पेड़ों को पानी देना सीख रहे हो, ये सब चीज़ें सीखने में ही आती हैं। तो इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना है आपको अपने डेली रूटीन में। ठीक, जैसे आप मॉर्निंग टाइम उठते हो तो अपने आप को विश करो, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, अपने आप से बोलो। जैसे मैं बोलता हूँ दीपेंद्र कुशवाहा, यू आर द बेस्ट। मॉर्निंग टाइम में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड का लेवल होता है बहुत हाई होता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत बहुत मतलब एक अल्टीमेट थिंग होती है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और जो चीज़ें इसमें फीड होती हैं वो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मॉर्निंग टाइम में जब आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो लेवल है वो हाई रहता है, तो उस टाइम आपको पॉजिटिव थिंग्स आप उसमें ऐड करनी है कि आप कुछ भी चीज़ बोलो, जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ को आपको रिपीट करो, उस माइंड को बोलो, बोल के उसको सुनाओ कि नहीं ये चीज़ ऐसी होगी, मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको आपके माइंड में बोलो। सुबह से कुछ भी हो जाए, आप लेट उठो या कुछ भी हो, तो आपको कोसना नहीं अपने आप को, हमेशा याद रखो इस चीज़ को कि आप जैसे ही उठो अपने आप के लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, चाहे आप लेट उठे हो, कैसे भी उठे हो, इसके लिए मत पूछो कि आज मैं लेट उठा, ऐसा वैसा फलाना ढमका, सब चीज़ें बकवास है। जितने बजे भी उठे हो उठो, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो कि जल्दी उठो, लेकिन नहीं उठ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जब भी उठो तब भी अपने आप से बोलो कि यू आर द बेस्ट। अपने आप के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव लाइंस डालो, जो भी आप चाहते हो उसको ऐड करो उसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अपनी आँखों को बंद करना है। यदि आप आपकी छत पे है या कोई थोड़े से रूम से बाहर निकल आइए, रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में जो बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं, नेचुरल बैकग्राउंड साउंड होते हैं, उसको बजाइए और कुछ नहीं उसको सुनिए, आँख बंद है और बैकग्राउंड साउंड को सुन रहे हैं, बर्ड्स की चिरपिंग है, वाटर का स्प्रिंकलिंग है, हवा चल रही है, इस सारे की जो साउंड्स हैं बैकग्राउंड साउंड्स, यूट्यूब पे आपको कहीं भी या कोई भी बिंक म्यूजिक पे कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, तो उनको सुनिए 10 मिनट, बस कुछ नहीं 10 मिनट सुनना है। अगर आप घर के बाहर आ रहे हैं, थोड़ा सा आपका ऐसे मेरा घर थोड़ा सा नेचुरल प्लेस पे है, तो आप कुछ नहीं आपकी छत पे बैठ जाओगे तो बहुत सारे बर्ड्स की चिरपिंग आपको ऐसे ही सुनाई देगी। अगर आप बैकग्राउंड में सुन रहे हो तो देखो अभी भी बहुत सारे बर्ड्स की चिरपिंग आपको सुनाई दे रही होगी। यदि आप ऐसे जगह पे हैं तो आप ऐसा वहाँ पर छत पे बैठ के 10 मिनट आँख बंद करके बैठ जाओ बस, और बर्ड्स की चिरपिंग सुनो और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन से बर्ड की ये चिरपिंग है, आवाज़ जो आ रही है किस बर्ड की आ रही है। ये एक अच्छा मेडिटेशन है, सिर्फ 10 मिनट करना है। अब अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आपको कुछ नहीं, अपने बेड पे वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है और 10 मिनट तक उसको सुनना है, आँख बंद रहेगी, आँख बिल्कुल भी नहीं खोलना है और पूरा ध्यान सिर्फ उस म्यूजिक पे रहेगा। तो ये भी आपका एक बेस्ट मेडिटेशन हो जाएगा, और आप ऐसा करेंगे तो आप 8-10 दिन बाद, लगभग 5-6 दिन बाद फील करेंगे कि यू आर फीलिंग पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक, एनर्जाइज फील करेंगे मॉर्निंग टाइम में। तो ये भी चीज़ हो सकती है जो आप अपने लाइफ में कर सकते हो, और ये चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगी। और ऐसे ही सोते टाइम भी करना है, सोते टाइम भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस लेवल होता है, माइंड का जो लेवल होता है वो हाई होता है, तो उस टाइम भी आपको ऐसे ही कोशिश करनी है कि बहुत सारी पॉजिटिव लाइंस, जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स, उन चीज़ को याद करो, बहुत अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करो, और उसको याद करते करते आपको देखना अच्छी नींद आएगी। हालांकि मैं एक वीडियो आगे आने वाली है कि एक अच्छी नींद कैसे लें, एक डीप नींद कैसे लें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो उनको नींद की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, चाहे यंगस्टर हो या ओल्ड एज हो, हर किसी को नींद की प्रॉब्लम हो रही है। इस पर भी मैं जल्द ही एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत जल्द लाऊँगा। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा, आप जो फील कर रहे हैं कि डिप्रेस फील कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा कम होगा, और आप डेली करोगे तो ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, और एक आप कुछ नया सीखोगे और आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगोगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना भूल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, तो उनको मैं एक लाइन बस बोलना चाहूँगा
कि हो सकता है इस टाइम आप उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे होंगे या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख लो इस टाइम जो आपके करियर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेंगे। इससे मैं कह रहा हूँ कोई भी सिलेबस की बुक पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा है तो कोई भी अदर बुक पढ़ लीजिए जो आपके आपके करियर को प्लस करने की कोशिश करेगी, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको हर एग्ज़ाम में काम आती हैं यार, तो आप इन चीज़ों को कीजिए। और उस अगर आप अपने एम की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं, थोड़ा सा थम जाइए ये, और थोड़ा सा इस टाइम को निकलने दीजिए। वो कहते हैं ना कि जब आपका कोई भी टाइम है, जब आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस खड़े हो जाओ, उस टाइम को देखो, ये परिस्थितियाँ निकल जाएंगी, ये बुरा समय जो है ये आराम से निकल जाएगा, आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है आपकी, तो ऐसे ही आपको करना है। जब बहुत ख़राब समय है तो आप कुछ भी ना कर सके। जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब आपको जो बहुत ज़्यादा कोहरा हो ना, तो दूर तक देखने की कोशिश मत करो, पास खड़े हो जाओ, एक फुट का दिख रहा है तो एक फीट चल लो और फिर खड़े हो जाओ, फिर देखो तो एक फीट और दिखेगा, फिर खड़े हो जाओ एक फीट और दिखेगा, इस तरह से आप बहुत आगे तक बढ़ जाओगे। आप सोचो कि यहाँ पे खड़े होकर मुझे 10 फीट तक दूर का क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो नहीं दिखेगा। आपको वेट एंड वॉच, एक कदम आगे बढ़ो, फिर रुको, फिर देखो कि हाँ कोहरा थोड़ा सा हल्का है, अब दिख रहा है, फिर रुको, फिर चलो, फिर रुको, फिर चलो, इस तरह से धीरे धीरे आप चलोगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। आप सोचोगे कि हम एकदम छलांग मार दें, तो इस समय COVID-19 के समय तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सेफ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो और एडूफन बाबा के साथ बने रहो। बाबा जी को अगर आपको लगे कि कुछ अच्छा मिलता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबा जी हमेशा एक नई चीज़ें लाएंगे आपके साथ जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगी, आपको खुश बनाने का काम करेंगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। बाबा जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।